नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ परवल और अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे आप रोटी पराठे कुछ भी खा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए अंडे। अंडे आप 2 की जगह 1 भी ले सकते हो। दोनों अंडे को हम कर लेंगे ग्रेट। साथ ही मैंने लिया यहाँ पे 1 पाव परवल। परवल को पील करने के बाद मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है, बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले नहीं करेंगे। और लिया मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज के आलू। आलू को पील करने के बाद हम ऐसे स्लाइस में काट लेंगे। आलू चाहे तो आप यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बाकी मसाला लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूँगी। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा हम डाल देंगे परवल और आलू। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 4-5 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक परवल और आलू का कलर चेंज ना हो जाए। तो बीच बीच में चलाते हुए हमें फ्राई करना है। 2 मिनट मीडियम फ्लेम में खोल के फ्राई कर लिया है। अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 पिंच हल्दी। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक के फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ढक के हम फ्राई करेंगे इसलिए ताकि आलू हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन बीच में खोल के आप 1 से 2 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 3-4 मिनट मैंने ढक के आलू परवल को फ्राई कर लिया है। आलू परवल जैसे हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा हम निकाल के रखेंगे एक प्लेट में। मैंने बीच में खोल के 2 बार स्पैचुला से चला लिया था। पैन में हम डाल लेंगे 2 से 3 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से पहले गरम करेंगे। तेल जैसे गरम हो जाएगा हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा जैसे फ्राई हो जाए हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। प्याज को अब हम फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। प्याज का कलर जैसे हल्का चेंज हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट के लिए और हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन जैसे भून जाए हम डालेंगे ड्राई मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, डालेंगे हम 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और मसाले को 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। मसाले जैसे ही अच्छे से भून जाएगा हम डाल देंगे यहाँ पे 3 हरी मिर्च, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। साथ ही हम डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को स्लाइस में काट के। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे मसाले में और मसाले को 4-5 मिनट अच्छे से भूनेंगे, जब तक टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। डाल देंगे हम यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला और डाल देंगे फ्राई किए हुए परवल और आलू। अच्छे से मसाले के साथ हम 2 मिनट पहले भूनेंगे, फिर हम डालेंगे 1/2 कप पानी। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए आलू हमारा पहले से ही 80% सॉफ्ट हो चुका है। अच्छे से मैंने मसाले के साथ आलू परवल को 2 मिनट भून लिया है। डाल देंगे हम यहाँ पे 1/2 कप पानी। जैसे ग्रेवी में बॉईल आ जाएगा हम डाल देंगे अंडे। तो अंडों को मैंने यहाँ पे ग्रेट करके रख लिया था। हल्के हाथों से हम एक बार मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक आलू परवल पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो पैन को कवर कर देंगे हम 3-4 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे।
3-4 मिनट बाद हमारे आलू और परवल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये सब्जी देखने में जितना आपको सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना ही आपको टेस्टी लगेगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा। तो धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद ज़रूर बताइएगा। खाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।